मैं कितना ज्यादा खतरनाक हो गया हूँ, अब मैं सबको मार दूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा थैनोस। अरे बचाओ, मैं गिर रहा हूँ नीचे, बचाओ, मेरे को लग गई रे। अरे फ्रैंकलिन, मैंने तुम्हारे अंदर कामा रेडिएशन डाल दिए, अब देखते हैं तुम्हारे साथ क्या होता है। अबे मेरे को दर्द वर्द तो नहीं होगा ना? अरे नहीं, कुछ दर्द नहीं होने वाला है। जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम बन जाओगे शक्तिशाली, जैसे हल्क बनता है। अरे विगी भी, अब तो आप भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गए हल्क भैया की तरह। अरे हाँ शिनचैन भाई, अब देखते हैं जब भी मुझे गुस्सा आएगा, देखते हैं मैं कैसा बनता हूँ। अरे चलो चलो, अब यार न्यूज व्यूज देख ली जाए, क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में। ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सैंटोस में आया एक ब्लू कलर का जानवर, उसने लॉस सैंटोस में पूरा मौसम खराब कर दिया है। मीटियोर्स की बारिश हो ही जा रही है, अब तो सिर्फ हमें एवेंजर्स ही बचा सकते हैं, पर क्या एवेंजर्स इनसे लड़ पाएंगे? ये तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल, और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें। अरे भाई ये क्या चीज है ब्लू कलर की? अरे ये तो टाइटन है। टाइटन? टाइटन क्या होता है? अरे ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर ये तो पृथ्वी छोड़ के चले गए थे 1000 साल पहले, ये वापस क्यों आ गए? अरे क्या 1000 साल पहले? फ्रैंकलिन लगता है तुम्हारी पावर टेस्ट करने का टाइम आ चुका है, तुम जाओ और पता करो वहाँ पे क्या चल रहा है। अरे ठीक है अभी जाता हूँ, वहाँ पे जाके पता करते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे बस गुस्सा चाहिए ताकि यार मैं बन सकूँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक, तो गुस्सा करना चालू करते हैं। अरे मेरे को तो गुस्सा ही नहीं आ रहा है। अरे गुस्सा कैसे आएगा मुझे? लगता है बाहर जाके कहीं ना गुस्सा को पैदा करना पड़ेगा मेरे अंदर। अरे अंकल गुस्सा दिला मेरे को, बाहर निकल और मुझको मार। अरे कहाँ जा रहे हैं? रुको रुको रुको, अरे मुझे गुस्सा दिला, मुझे गुस्सा होना चाहिए। ही ही, अरे तो मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा। अरे मैं अंदर क्यों बैठ गया? अरे बेटा मेरे को छोड़ दो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे अंकल तो भाग गए। अरे क्या हो रहा है? अरे भाई तो मेरी बर्फ जाऊ, मुझे गुस्सा हो रहा है। अब मैं बन गया खतरनाक। अरे वाह क्या लग रहा हूँ मैं। अरे भाई साहब मेरी शक्तियां देखो कितनी खतरनाक है, मैं उड़ सकता हूँ, और मेरी बॉडी तो देखो कितनी खतरनाक हो गई। मेरी बनियान फट चुकी है, पर कोई बात नहीं, निकलो यहाँ से। अब मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं भी बहुत खतरनाक हूँ, आ रहा हूँ मैं तेरे को मारने चचा। अरे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अबे ये सबसे हमारी जो बड़ी बिल्डिंग है मेज बैंक, उससे भी ज्यादा बड़ा है। अरे भाई साहब इससे मैं कैसे लड़ूंगा? भाई ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मैंने बोल तो दिया। अबे भाई 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 कितना ज्यादा बड़ा है, अभी तक तो मैं इसकी मुंडी तक नहीं पहुंचा। अबे यार ये तो मेज बैंक से भी बहुत ही ऊपर जा रहा है, पहले मुझे लगता है मेज बैंक भी चढ़ना पड़ेगा। अरे मैं तो इसके ऊपर ही चढ़ गया। अरे भाई साहब ये कितना ज्यादा बड़ा है, अबे मेज बैंक छोटा पड़ गया इसके सामने तो। अबे मैं किसको कैसे मारूंगा? आ रहा हूं मैं गेंडे। अरे मैं कहां चला गया? भाई तो बहुत ही बड़ा है, अगर उसने मुझे एक मुक्का मारा ना मैं उड़ते हुए जाऊंगा पता नहीं दुबई पार करके। फिर भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा यार, ये ले। अरे भाई इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे इसके इतनी तेज मैंने मारा, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे बचाओ, ये ले। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं हूं टाइटन, अब मैं वापस से आ चुका हूं और पूरी पृथ्वी पे तबाही मचाऊंगा। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है, भागो यहाँ से। अबे मुझे एवेंजर्स के पास जाना पड़ेगा, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, भागो यहाँ से। तो अभी मैं एवेंजर्स हाउस वापस से आ चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ इनके पास। भाई मैं इनको कैसे बिल्कुल भी नहीं मार सकता, वो बहुत ज्यादा बड़ा है मेरे से, वो 10 गुना ज्यादा बड़ा है भाई। अरे फ्रैंकलिन तुम मुझसे डर गए क्या? अबे डरता वरता नहीं हूँ मैं किसी से, खुद जाके देख ले तेरी खुद की पैंट गीली हो जाएगी। अरे विकी भाई मुझे जाने दो यार, मैं जाके उसको मारूंगा, मुझे शक्ति दो, और मेरी पैंट भी गीली नहीं होगी क्योंकि मैं डायपर पहन के आया हूँ। अबे चुप हो जा शिनचैन। अरे भाई बता मेरा एडमिन क्या करना है? अरे मुझे याद आया, उस टाइटन का दोस्त है थैनोस, अगर हम थैनोस से बात करके उसको बोले कि वो टाइटन को यहाँ से भेज दे तो वो हो सकता है। अरे पर थैनोस क्यों हमारी मदद करेगा, वो तो खुद बुराई के साथ है ना। अरे वो मदद तो कर सकता है, हमें ट्राई करना चाहिए। अच्छा चल ठीक है, फिर ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो चल एक काम करते हैं, मैं और तू चलते हैं सीधा उस थैनोस के पास, उसको बुलाते हैं और उससे बात करते हैं कि वो उस टाइटन को वापस से घर भेज दे। अरे ठीक है बहुत ही बढ़िया आइडिया, चलो चलते हैं। मुझे गुस्सा चाहिए। अरे भाई ये क्या हुआ? अरे मेरी बनियान क्यों नहीं फटी? अरे मुझे लगता है थोड़ा कम गुस्सा आया इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया। चलो अभी फटाफट से हम जाने वाले थैनोस के पास, अपना आयरन मैन भी आ चुका है। अरे चलो चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। अरे ठीक है मेरे को उसका रास्ता याद नहीं है। अरे मैं बता दूंगा, चलते रहो। ठीक है तो गाइस अभी हम जाने वाले सीधे थैनोस के पास, तो उसके चल के बात करने वाले हैं कि उस टाइटन को वापस से भेज दे, तो देखते हैं क्या होता है। अरे पक्का थैनोस यहीं से निकलेगा ना, यहाँ से तो पिंक कलर निकल रहा है। अरे तुम टेंशन मत लो, थैनोस यहीं से आएगा। थैनोस आ जाओ। तुमने मुझे बुलाया, मैं चला आया। आयरन मैन मेरे दोस्त, क्या हाल है तेरे?
बता बता क्या काम है, तूने मुझे क्यों बुलाया? अरे थानोस, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? अब मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे एक काम है। अरे वो तो मुझे पता है, तू बिना काम के मुझे बुलाता कहाँ है? अबे ओ बैंगन, बात सुन ले मेरी। अभी देखना तेरा ये दोस्त है टाइटन वाइटन, वो आ चुका है। अरे ढंग से बात कर मेरे से। अरे फ्रैंकलिन तुम रुको, मुझे बात करने दो। अरे थानोस, जो तुम्हारा दोस्त है ना टाइटन, वो यहाँ पे आ चुका है वापस से, और वो बहुत ही हल्ला मचा रहे। तो मैं चाहता हूँ तुम उसे जाके रोको, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। क्या मेरा दोस्त वापस से आ गया? अरे वाह मेरा दोस्त आ गया। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हें उसका साथ नहीं देना। अरे अरे ठीक है मैं उसको वापस जाने के लिए बोलता हूँ जाके, मेरा दोस्त। पर नहीं, मैं उसे बोलूंगा ऐसे जाने के लिए, क्योंकि आयरन मैन को बहुत दिक्कत हो रही है उससे। आ रहा हूँ मेरे दोस्त। तुम तो बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हो और खतरनाक भी। थानोस कैसा है तू? मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ मालिक। अरे आप तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गए। अरे मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। उन एवेंजर्स को तो मैंने झूठ बोला था, मैं तो अपने दोस्त अपने मालिक से बात करने आया था, ताकि मुझे भी शक्तियाँ मिल सके और मैं भी एवेंजर्स को हरा सकूं। मालिक अगर मुझे आपकी जैसी शक्तियाँ चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? थानोस अगर तुम्हें चाहिए मेरी जैसी शक्तियाँ तो तुम्हें देना पड़ेगा मुझे एक गिफ्ट यानी भेंट। अगर वो भेंट मुझे अच्छी लगी तो मैं तुम्हें शक्तियाँ दूंगा। मालिक मैं आपको आयरन मैन ला के दूंगा, वो चिरकुट एवेंजर्स का सरदार। ठीक है मुझे मंजूर है। अब उस आयरन मैन को पकड़ के मैं इधर लेके आऊंगा और अपने मालिक के हवाले कर दूंगा। फिर मालिक अपनी जैसी शक्तियाँ मुझे भी देंगे, फिर मैं भी लॉस सैंटोस में हल्ला मचा दूंगा। आयरन मैन। अरे ये ले। अरे तुम मुझे क्यों मार रहे हो? हमारी तो बात हुई थी ना, तुमने अपने दोस्त को बोला कि नहीं? अरे मैं तो इसको मारने आया हूँ, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, वो मुझे अपनी ऐसी शक्तियाँ देगा अगर मैं ते को उसके हवाले कर दूंगा। अरे क्या तुम मुझे हवाले करोगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने हमारे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी तो आदत ये धोखा करने की, और अब तुम खत्म होगे, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्तियाँ छीन के उसके हवाले कर दूंगा। मुझे लगता है वो टाइम आ चुका है, तुम्हारी आत्मा अब मैं अपने अंदर ले लूंगा। आजा तेरी आत्मा को मैं ले लूंगा और फिर तू मर जाएगा। या अरे मुझे बचा। मैंने इसकी आत्मा अपने अंदर ले ली है, अब मैं जाके अपने मालिक को दूंगा और वो खुश होके मुझे अपने जैसा बना देंगे और मैं पूरे एवेंजर्स को मार दूंगा। मालिक मैं आयरन मैन को ले आया, लीजिए आपका तोहफा और मुझे शक्तिशाली बना दीजिए। ठीक है तो खुश हो ना, तुम हो चुके हो मेरे जैसे, अब हम दोनों मिलके पूरी दुनिया पे राज करेंगे। जी मालिक हम सबको खत्म कर देंगे। आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी, इसने हमारे साथ धोखा किया है, इसने आयरन मैन को इसके हवाले कर दिया, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आ रहा हूँ मैं थानोस। अरे भाई इसके पास कहाँ गए, तो बहुत ही खतरनाक है। अभी थानोस को क्या हो गया? अरे बचा, अरे मेरी शक्तियाँ कहाँ चली गई? अरे ये क्या हो गया? अबे मेरी शक्तियाँ कहाँ चली गई? अबे उसने क्या किया मेरे साथ? अबे ये क्या हो गया भाई? निकला यहाँ से भाई, कितनी तेज लगी, अबे मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। आयरन मैन को तो उसने अपने हवाले कर दिया है। अरे फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मेरे पास कभी मत आना। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार नहीं छोड़ूंगा। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने मालिक को बुला दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, जा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निकल रहा हूँ, ऐसे भागो यहाँ से। मालिक हमें ये एवेंजर्स को खत्म करना पड़ेगा, वरना ये हमारे रास्ते का कांटा बनेंगे। तुम टेंशन मत लो, हम इन्हें भी खत्म करेंगे और इन्हें मार देंगे। अबे अब किसको बुलाए भाई, आयरन मैन तो उनकी कब्जे में। अरे मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं, थॉर भैया को बुलाते हैं, अब वो ही कुछ कर सकते हैं। हाँ यार थॉर को ही बुलाना पड़ेगा। सबको मार देंगे। हा, 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 हा,